हेलो भाई यूट फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। रात के 11 बज चुका है और अभी जा रहे हैं हम लोग मेहंदी लगाने, क्योंकि ये लोग गए हुए थे रंजना के घर पे। और अब आप लोगों को मिलेगा लकी, यहाँ पे देख सकते हैं लोग, लग रहा है अब इसको नींद भी आ रहा है शायद। और अब जो है यहाँ पे नेक देने के बाद सब स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे सब लोग सो गया है, वैसे मम्मी बैठी हुई है यहाँ पे, जीजू है, और यहाँ पे लड्डू लग रहा है मुझे मेहंदी लगाएगा। लड्डू लगा दो, और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग मेहंदी लगाना। थैंक यू देने के लिए। जला हेलो भाई, गुड फैमिली, यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो गाइस सब लोग गए हुए थे रंजना के घर पे, तो कैसा लगा वहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। क्या खाए हो? पूरी सब्जी और नाश्ते में काला जामुन और खोआ का कुछ मिठाई। क्या बात की? कुछ बात की? तो कुछ भी नहीं बात की, क्योंकि टाइम नहीं था तुम्हारे पास। नहीं, बस फोटो शूट करवाए लो, बस उसका टाइम था। गजब। तुम कुछ पूछा? नहीं। बाकी तुम कुछ बात की? नहीं। क्या Thank you.
Thank you.
पे कौन सा रसम हो रहा है? ये मेहंदी रसम हो रही है हमारी फ्रेंड का, और बहुत अच्छे से डेकोरेशन हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, एंजॉयमेंट हो रहा है, गाना हो रहा है, हम सभी लोग डांस कर रहे हैं। तो गाइस फाइनली यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लोग की दीदी यहाँ पे मेहंदी लगाना शुरू करती है, और इसी के साथ साथ जो यहाँ का जो डेकोरेशन था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। और यहाँ पे जीजू खड़े हुए और इनकी फ्रेंड हैं ये, और इसी के साथ साथ यहाँ पे ये भी देख सकते हैं लोग की भीड़ तो बहुत है, पर सब लोग इतना ऊँचा स्टेज भरा था कि सब लोग आराम से बैठ कर देख रहा था, और पहले ही कह दिया गया था कि वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना है। यहाँ पे जो मेरा मेहंदी लगा रही थी श्रेया, वही मेहंदी वहाँ पे भी लगाई है थोड़ा बहुत, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, सभी लोग एक से बढ़ के एक। लेकिन आप लोगों को ये जो वीडियो है अभी यहीं पे हो जाएगा ख़त्म, और क्योंकि नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैसे हुआ है धमाकेदार डांस पार्टी और म्यूज़िक, और उसी के साथ साथ ये भी आप लोग को पता चल जाएगा कि आखिर जाते वक्त रंजना ने क्या संदेश दिया, वो अगले पार्ट के लिए आप लोग बैठे रहिए, फिर मिलेंगे। तो गाइस फाइनली यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि धन्या सिंह जो है वहाँ जाने के बाद से इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और ये आपको बताएंगे सच्ची घटनाएं जो वहाँ पे घटित हुआ है, आप बताएंगे। yes. हाथ पे बोलिए। yes, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवाय कुछ ना बोलेंगे। अब आप बताइए वहाँ पे जब गए आप तो सबसे पहले क्या हुआ? वहाँ पे जाने के बाद हम लोग को एक रूम में ले गया लो, नाश्ता दिया लो, वो खा लेने के बाद थोड़ा रास्ता में क्या था, नाश्ता में काला जामुन था और खोवा की कुछ मिठाई था और दलबूट था। गुड। उसके बाद खाने के बाद हम लोग रूम से बाहर निकल के मेहंदी जहाँ पे लग रहा था स्टेज पे चले गए लोग, वहाँ पे थोड़ा रील्स और वीडियो ब्लॉग कुछ भी हो फोटो सारा खिंचाया। खिंचाने के बाद थोड़ा ना आपको क्या बोली, कैसे बोली? हमको बोली कि भाग क्या रंजना भाभी हमको बोली कि धनिया सिंह तुम जाओ और ये फ़ोन लो और जाओ वीडियो बनाओ। तो उसके बाद सारा लोग डांस करने में बिजी हो गया, उसके बाद डांस करने के बाद सब लोग थक गया तो फिर से वही रूम में लेके गया लो, और लेके जाने के बाद पूरी सब्जी खिलाया लो। आप ज़्यादा क्यों नहीं मांग रहे थे? यही गाड़ी में थोड़ा जगह नहीं था, कैसे भी बैठ गए थे लोग ज़्यादा आदमी, पेट फूल गया था, तबीयत कम ही खा लिया। कम कितना खाए? लगभग लगभग दो पूरी। इतना में क्या होगा तुम्हारा दो पूरी में? दो पूरी तो मुँह में ख़त्म हो गया होगा, कम से कम चार पांच तो खा के आना चाहिए ना। सब्जी क्या चीज का था? आलू गोभी का और है? और एक पानी का बॉटल। बॉटल आते वक्त कुछ मिला आपको दान दक्षिणा? कितना? 500 रुपया। करेंगे दारू पार्टी। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही पे करते हैं खत्म, नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा वो जो डांस है वो कैसा होगा। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय। और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में बताइएगा ये ब्लॉग कितना अच्छा है। जय हिंद जय भारत।